है, तो हम यहाँ पे जब ये लिख रहे थे अभी, मैंने बात करी थी एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस टोटल, तो वो होता है ये वाला 5 और ये वाला 12, तो 5 + 12 17 मीटर डिस्टेंस हो जाता। और नीचे आना चाहिए था टाइम, टाइम यहाँ से आ 2 सेकेंड, यहाँ से आ 4 सेकेंड, टाइम होता 6 सेकेंड का, तो आपकी एवरेज स्पीड आती 17 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपको निकालनी होती वेलोसिटी, तो उसका आंसर ये नहीं आता यहाँ पे इस केस में। क्यों? इधर चला यहाँ से, पहुँचा यहाँ, तो स्टार्टिंग वाली पोजिशन है उसकी ये वाली, फाइनल है ये वाली, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल ये वाला, ये होता डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए होती थी उसका, यहाँ पे क्या चाहिए था आपको, उसका डिस्प्लेसमेंट नेट कितना चला है, वो डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज चाहिए था वैसे तो आपको, बटे में टाइम, तो टाइम तो हम आसानी से लिख लेंगे क्योंकि टाइम तो सेम रहना है, 2 और ये 4 6 सेकेंड, टाइम का कोई पंगा नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 5 ये 12, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना जाएगा 13 मीटर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा कितना 13 मीटर। लेकिन देखो अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर होती है, तो अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना था तो ये वेक्टर में आता, वेक्टर में लिखने के लिए ना हम आई जे के इस तरह की चीज़ें लिखेंगे, देखना आगे आएगा वो आई जे के, 9th में तो नहीं आएगा ये, 11th में आता है, ठीक है। तो डायरेक्शन लिखनी होती है 11th में आपको इसकी, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे वो आई जे के का तरीका आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ना आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हो, मॉड का अगर जिनको ना पता हो तो मॉड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, जैसे ऐसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ वी वेक्टर, इसका मतलब है सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू, वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, 5 है 10 है 50 है, ऐसे इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन। तो यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी का मॉड निकाल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन का भी हमें पता नहीं है। और यहाँ पे भी हमने जो 13 लिखा है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, पर डायरेक्शन लिखना भी ज़रूरी होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब इंस्टेंटेनियस लिखने की बात आएगी तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा, उसकी फिर मैं बात करूँगा और आगे से, ठीक है। अभी एक चीज़ और देख लो यहाँ पे क्वांटिटी, और वो होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में बता रखा है वैसे आम तौर पे, बट एक बार और लास्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज बटे में टाइम। अब तुमको वेक्टर में लिखना है तो तुमको यहाँ पे ऐसे लगा दो वेक्टर, 9th क्लास में वेक्टर का कोई फंडा नहीं आएगा यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो वैसे, एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी बाय टी, डेल्टा का मतलब बताया था, ठीक है, चेंज होता है बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी, चेंज का मतलब ये होता है, ये स्टैंडर्ड है देखो, ठीक है ना। ये हमेशा कौन सी वाली वेलोसिटी होती है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी या स्पीड, और ये होती है वी फाइनल वाली स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज कर रहे थे तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई थी ना मोशन की, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था ए से, फिर माइनस यू वहाँ चला गया था। फिर सेकेंड इक्वेशन जो हमने निकाली थी, अब 9th क्लास के टर्म में तो हम यहाँ पे गोलीबाजी ही देंगे, +1 को भी देते हैं यही गोली वैसे तो, क्योंकि देखो ये तरीका सही नहीं है जिससे मैं सेकंड निकालूंगा, लेकिन ठीक है भाई, काम चल जाता है एक बार को छोटी क्लास में, ठीक है। तो देखो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमको पता होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे ना हम क्या करने वाले हैं, देखो जैसे मान लो आपको दे रखा है कि कोई बस है हरियाणा रोडवेज की या कोई भी हो, ठीक है, उसकी स्पीड है मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, पर आर, किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब आपको ये स्पीड दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि अगर मान लो बस चलती है 4 घंटे तक लगातार, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, तो आप यहाँ बोलोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 60 × 4, तो आ जाएगा 240। यूनिट क्या होते, स्पीड के यूनिट होते ये और टाइम का यूनिट होता आर, तो कट जाता, तो 240 किलोमीटर। लेकिन कब होता, जब ये स्पीड क्या होती बस की, कॉन्स्टेंट, मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि इस स्पीड से बस लगातार इसी से चल रही है, ना तो ड्राइवर ने तेज करी ना धीरे करी, ऐसा तो नहीं होता ना, ब्रेक भी लगते हैं, रुकती भी है बस, कभी तेज भी होती है 90-100 तक, कभी धीरे भी होती है। तो अगर एवरेज दी होती ना आपको स्पीड, एवरेज का मतलब या तो आप बोलते थे एवरेज है ये, या फिर ये होती कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट तो हो नहीं सकती, एवरेज होती है। अगर आपको एवरेज स्पीड दे रखी हो ना, तब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, ये वाला फॉर्मूला, अगर स्पीड मान लो किसी पार्टिकल की लगातार बदल रही हो, ठीक है, उसकी टी बराबर 1 सेकंड पे उसकी स्पीड है मान लो 15 किलोमीटर पर आर, उसके टाइम बराबर 2 सेकंड पे उसकी स्पीड हो गई 18 किलोमीटर पर आर, टाइम बराबर 4 सेकंड पे उसकी स्पीड हो गई मान लो 10 किलोमीटर पर आर, तो अब यहाँ पे आप क्या लोगे, ठीक है, एवरेज स्पीड का कुछ, क्योंकि कॉन्स्टेंट नहीं चल रही कोई चीज़, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगता, पर ठीक है 9th क्लास तक चल जाती है ये चीज़,
थोड़ी बहुत इलेवंथ में भी चल जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो यहाँ पे स्पीड कौन सी आती है हमेशा? एवरेज। ठीक है, अब देखना हम क्या लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में स्पीड क्या मानते हैं पार्टिकल की? यू। बाद वाली यानी कि फाइनल स्पीड लेते हैं हम वी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों स्पीड का क्या लेना चाहूँ? एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज का देसी तरीका होगा हमारा, वो क्या होगा? कोई भी दो चीज़ों का एवरेज हम कैसे लेते हैं? दोनों को जोड़ दो, बटे में ले आओ दो। ठीक है, इस नॉर्मल तरीका होता है। अगर इसमें पांच चीज़ें दी होती तो हम पांचों को जोड़ के बटे में पांच करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम मान लो आपके नंबर आए किसी टेस्ट में, 10 में से नंबर आ रहे हैं, 3 टेस्ट हैं आपके। ठीक है, एक में आपके नंबर आए 6, एक में आए 8, और मान लो एक में आ गए आपके नंबर सपोज 10। तो अगर आपको एवरेज निकालते तो आप कैसे निकालते हो? कि तीनों नंबरों को जोड़ दो, बटे में कर दो 3। ठीक है, यही जो नॉर्मल तरीका होता है हमारा, 24/3, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो स्पीड है, एक ये एक ये, उनकी एवरेज स्पीड ये हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड, ठीक है, इनटू में था टाइम। एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारे पास में? यू प्लस वी बटे में 2, और गुणा में क्या आएगा? टाइम। ठीक है, टोटल टाइम जो भी होता है उसका। ये फॉर्मूला किसका आता है? डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्टेंस मान रहा हूँ एक बार को, मैंने इसको लिख लिया एक्स। अब देखना इस स्टेप को लिखने के बाद काम में काफ़ी हद तक अब आसानी हो जाएगी आपके पास। जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी आ चुकी है? एक्स बराबर यू प्लस वी इंटू में टी, मैं छोटा वाला टी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये टोटल टाइम इंटरवल हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बदलाव करना होगा, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा। आप ना यहाँ पे वी की वैल्यू को रखना पड़ेगा। जो आपने पहली इक्वेशन ली है वो क्या होती है? वी बराबर यू प्लस एटी। ठीक है, तो v बराबर यू प्लस ए टी, इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम? यहाँ पे रखेंगे v की जगह। या फिर आप ऐसे कर लो, देखो हमने एवरेज स्पीड निकाली थी ना अभी u और v की, वो क्या आई थी? u प्लस वी बाई टू आई थी। आप यहाँ पे रख लो v को, ये वैल्यू, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप बोल दो सेकेंड इक्वेशन, और फिर आप बोल दो पुट v, पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास में? एवरेज स्पीड आ जाती है आपके पास में, बटे में 2 था यहां पे u, v की जगह मैं ये लिख देता हूं, तो ये बनेगा u प्लस 80। अब देखो u प्लस u 2u और प्लस 80 बाय 2, तो आपकी एवरेज स्पीड ये बन जाएगी गंदी सी। वैसे ये वाला फॉर्मूला अच्छा था, लेकिन वहां रखना पड़ेगा, यहां एक ही बात है। तो मान लो आप यहीं पर रख लो, अगर वहां अजीब लगता हो तो रखना। तो आपने इसी फॉर्मूले में डाल देना था इसको, सेकेंड वाले में। ठीक है, अब आपके पास में एवरेज स्पीड आ गई, तो अब यहाँ पे डाल दो इस जो चीज़ थी हमारा, मतलब जो फॉर्मूला था पिछले पेज पे, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या आया था? डिस्टेंस यानी कि एक्स, वो किसके बराबर आया था? एवरेज स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हमने पहले तो लिखा था यू प्लस वी बाई टू ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे आया था, पर अब मैं एवरेज स्पीड को क्या रख रहा हूँ? ये वाला गंदी सी वैल्यू, तो 2u प्लस 80 बाय 2। आप चाहते तो यहाँ पे भी v को रख लेते, यही वही आता, इनटू में क्या हो रहा था यहाँ पे? टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखना सिंपल सी गणित है, एक तो ना इस t को मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो एक बार तो ये t किससे मल्टीप्लाई होगा? 2u से, तो ये बन जाएगा 2ut प्लस, और यहाँ पे at की मल्टीप्लाई t से, तो ये हो जाएगा at स्क्वेयर बटे में आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था x बराबर, फॉर्मूला आ गया आपके पास 2ut प्लस at स्क्वेयर बाय 2। ठीक है, अब इनको अलग कर सकते हैं हम डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वेयर, 2 दोनों के बटे में ये कट जाएगा, तो ये एक और सुंदर सा आंसर आ गया, x बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। और जो थर्ड इक्वेशन जब निकालते हो आप, थर्ड इक्वेशन का जो तरीका रहेगा निकालने का, उसमें क्या करोगे आप? देखो जो आपने ये वाली वैल्यू ली थी v की वैल्यू, ये वाली, इससे आप निकालोगे। देखो क्या होता है, पहली इक्वेशन में टाइम आता है, दूसरी में भी टाइम आता है, तो तीसरी में टाइम नहीं आता। तो जब आपको थर्ड इक्वेशन निकालनी होती है तो आप क्या करते हो? देखो पहली इक्वेशन से टाइम को अलग कर लो, है ना, अकेला बुलाओ उसको खोपचे में, तो इस यू को यहाँ ले जाओ, तो वी माइनस यू बराबर ए टी, यहाँ से टी को अब अकेला कर लो अपने दोस्तों से, तो टी की वैल्यू क्या आती? वी माइनस यू बटे में ए। इसको मैं रख दूंगा आप सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, देखो यहाँ से निकालता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9th का बच्चा शायद कर भी ना पाए। ठीक है, इसलिए हमने लीनियर वाली इक्वेशन जिसमें पावर 180 की वो निकाल लिया। इसको अब हम इनको यहाँ रखना है। ठीक है, एनओ एथे रख दियो, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगी मान लो सपोज फर्स्ट, और ये वाली हो गई सपोज सेकंड, तो आप बोलो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे बोल दो जैसे लिखनी हो लैंग्वेज का, तो क्या है चलो। ठीक है, तो मान लो मैंने इस टी की ये जो बड़ी वैल्यू आई है इसको यहाँ रख दिया सेकंड इक्वेशन में, तो क्या बनेगी? देखो इक्वेशन एक्स बराबर यू, देखो यहाँ पे यू मल्टीप्लाई था टी से, और यहाँ पे हमारे टी का
इतना बड़ा वैल्या है ना, वैल्यू आ गई। फिर था प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ ए और यहाँ पे इस बड़ी सी वैल्यू का स्क्वायर, तो वी माइनस यू बटे में ए इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब होल स्क्वायर होने के बाद आपकी जो इक्वेशन है एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ उसी को। ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या बन गई थी आपकी, x बराबर यू, यहाँ पे था आई थिंक v माइनस यू बाय ए और प्लस में था हाफ ऑफ a इंटो में था इसी वैल्यू का स्क्वायर, तो v माइनस यू बटे में a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x, अब पहले देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो u मल्टीप्लाई होगा v से, तो यू वी माइनस की जगह माइनस u इंटू यू होगा यू स्क्वायर बटे में आएगा a प्लस यहाँ पे देखो a बाय टू। अब यहाँ पे ना इस पूरे का स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे तो आएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए और यहाँ पे आएगा v माइनस यू इसका होल स्क्वायर बटे में आएगा टू ए। ठीक है, देखो यहाँ पे टू ए है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे a है, एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा 2a, तो मैंने इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, करना पड़ेगा ना ऐसे मैथ्स में, डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा आपके पास 2a। ठीक है, अब यहाँ देखो कल तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा यू वी से, तो 2uv, फिर माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर से, तो 2u स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है देखो। ठीक है, तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो यहाँ से कौन कौन जाएगा, एक तो ये खल्लास, अब देखो यहाँ पे अकेला तो क्या बचा हुआ है v स्क्वायर, इनको देखो एक तो है आपके पास में, मतलब इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस का u स्क्वायर और एक क्या है माइनस का 2u स्क्वायर। ठीक है, यही बचे, एक तो ये v स्क्वायर अकेला और ये दो टर्म्स थी, नीचे क्या आएगा 2a, किसके बराबर चल रहा है ये x के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस 2a को x के तरफ भेज दो, तो ये 2ax और ये क्या हो जाएगा देखो v स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, ये कुछ वैसा ही है जैसा आपके पास ये लिखा हो कि x माइनस 2x, तो वो क्या होता है माइनस x, तो वैसे ही यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर बटे में, जब 2a तो मैंने वहाँ भेज दिया था, बटे में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो अब इस माइनस यू स्क्वायर को यहाँ भेज दो, तो 2ax प्लस यू स्क्वायर बराबर आ गया v स्क्वायर के। ये होती है आपके पास में थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया, मान लो ये वाला पार्ट कि मैंने कैसे लिखा, देखो इसको शायद नाइन्थ वालों को ना पता लगे एकदम से, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना ये, आप ये देखो यू स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों से। ठीक है, यू स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा वन, ठीक है वन, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या आएगा टू, और वन माइनस टू तो आजकल माइनस वन ही हो रहा है ना, यू स्क्वायर इंटू में माइनस वन, ये क्या जाएगा माइनस का यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन यहाँ पे ऐसे प्रूव हो जाती है, टाइम को गायब कराया अपने। तो अब हमारे पास देखो टोटल कितनी इक्वेशंस हैं, मेनली तीन इक्वेशंस। ठीक है, ग्यारहवीं में आपके पास में एक और आ जाएगी, ठीक है, पर नाइन्थ क्लास तक आपके पास रहेंगी। पहली इक्वेशन तो ये वाली v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरी हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी हो जाती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। देखो टोटल अगर आप गिनोगे वेरिएबल्स, मतलब जो हमें सॉल्व करने पड़ सकते हैं वो कितने होते हैं इसमें, पांच वेरिएबल्स हैं। देखो एक तो u, एक v, एक a, एक t और एक x। खास बात क्या है देखो इन इक्वेशंस में, पहली चीज दो चीज वेरिएबल हैं, एक तो a और एक u, ये हर इक्वेशन में पहली में भी हैं, दूसरे में देखो u और a और तीसरी में भी हैं u और a। तो u और a तो क्या चल रहे होंगे आपके कॉमन, मतलब किसी भी चीज़ का क्वेश्चन कैसे भी आए u और a तो हर इक्वेशन में है। फ़र्क क्या पड़ता है देखो, अच्छा ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड आमतौर पे और ये थर्ड। देखो अगर ये दोनों तो कुछ डिसाइड करेंगे नहीं, अब बचे कितने वेरिएबल, तीन, एक x, एक v और एक t, इनसे डिसाइड करते हैं हम। ठीक है, एक बचा x, एक आया जो कॉमन नहीं है वो है v और एक है t। अगर आपको x के बारे में बात कर रखी है क्वेश्चन में, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आपके पास केवल दो ऑप्शन है, सेकंड या थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों में आ रहा है x और किसी में नहीं आता। अगर v की बात करूँ मैं, तो v देखो v पहली में आता है और v तीसरी में आता है, सेकंड में नहीं आता v। तो अगर आपको v निकालना है तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, पहला या फिर थर्ड इक्वेशन का। और अगर टाइम निकालना है, टाइम का ऑप्शन केवल फर्स्ट और सेकंड में है। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा देखो, एक्चुअली में आपके पास में टोटल वेरिएबल तो है पांच, लेकिन हर एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, उसका आंसर है फोर। कैसे देखो, पहले वाले में क्या है, एक तो v, एक u, एक a, एक t
दूसरी वाली में x है, u है, t है और a है, तीसरी वाली में v, u, a, x, हर एक में चार हैं। तो अगर आपको कोई भी तीन वेरिएबल दे दिए जाएं, तो आप चौथा सॉल्व कर लोगे किसी एक इक्वेशन से, और चौथा आ गया तो पांचवा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैं सिंपल सा बताऊँ, मान लो कि कोई रोड है, कोई बस है, वहाँ पे सपोज़ जब टाइम हो रहा था घड़ी में जीरो, तब इसकी स्पीड थी चलने के मान लो 50 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम हुआ 20 सेकंड का, तो इस बस की जो स्पीड है अब हो गई मान लो सपोज़ 70 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको क्या दे रखा है, ये क्या है पहले वाली स्पीड, तो ये हो गई यू, ये बाद वाली स्पीड, तो मैंने वैसे भी इसको वी लिख दिया। और देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम जीरो, यहाँ पे टाइम 20 सेकंड, तो टाइम का चेंज कितना हुआ 20 सेकंड का। कई बार ज़रूरी नहीं है वो ऐसे दे, ऐसे बोल सकता है कि मान लो यहाँ पे टाइम था 10 सेकंड का और यहाँ पे टाइम हो गया मान लो 30 सेकंड का, तो भी इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 20 सेकंड आएगा ना। इसका मतलब होता है किस टाइम आपने देखना शुरू करा। मान लो घड़ी में बात करूँ तो मान लो 12:15:22 मान लो टाइम हो रहा है अभी घड़ी में, तब मैंने ये बस को देखना शुरू करा था। और ये वाला इंस्टेंट कब हुआ, जब 12 बज करके हो गया, अच्छा मैंने यहाँ पे 20 सेकंड लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको 42 सेकंड। देखो तो घड़ी में देखा पहले 12:15, अब भी 12:15, पहले थे 22 सेकंड, अब हो गए 42, और डिफरेंस कितना हुआ 20 सेकंड्स का। इसलिए कहा था कि वो डिफरेंस लेते हैं हम, ठीक है। तो हमको यू दे रखा है, वी दे रखा है, और दे रखा है टी, तीन वेरिएबल दे रखे हैं। अब बचे दो, एक तो ए और एक एक्स, मुझे पढ़ना भी नहीं है कि पूछा क्या है, इन दोनों में से कुछ पूछा होगा ना। अब ए निकालना है तो कौन सी यूज़ करूँ, देखो मैं, मेरे को वी दे रखा है, यू दे रखा है, टी दे रखा है और ए, तो अब ये कौन सी क्वेश्चन है पहली, ठीक है ना, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लगाऊंगा बिंदास, और आंसर आएगा मेरे पास में, वी कितनी है 70 मीटर पर सेकंड, यू है 50, ए मैंने नहीं पता, और टी कितना है 20 सेकंड्स, ठीक है। अब 50 यहाँ जाएगा तो 70 - 50 = 20, 20 बराबर 20 इंटू में ए, 20 से 20 कट जूगा तो बचेगा ए, कितना आएगा आपके पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपके पास में ये वाला ऑप्शन भी है सेकंड इक्वेशन का, थर्ड का भी है। मुझसे पूछोगे मैं कहूँगा थर्ड निकाल लो, थर्ड से निकालना आसान होगा ना, एक्स, वी पता है, यू पता है और ए पता लग गया आपको, ठीक है, वन आया ना ए, देखो फिर तो दिक्कत नहीं है। अगर आप सेकंड लगाना चाहते तो पहले ही लगा लेते, चाहे आपको यू पता था, टी पता था और टी, लेकिन ए चाहिए था तो ए मिल गया आपको। तो अगर मुझे निकालना हो सॉल्व करके, तो मैं तो प्रीफर करूँ थर्ड इक्वेशन को, ठीक है, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, तेजी, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। मान लो मैं सेकंड वाली से सॉल्व करता, वो कर लेना बेटा खुद से ना, अगर ना आए तो पूछना। इसी में एक तरह का क्वेश्चन और बन जाता, मान लो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बदलते हैं सवाल को, कुछ और डालते हैं इसमें, ठीक है। मैं ऐसे बोलता हूँ कि मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई बस जा रही थी, और बस खतरनाक वाली बस है, उसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड, इतनी होती नहीं है, वैसे बहुत तेज़ हो जाती है ये, किलोमीटर पर आवर में करोगे तो आइए आई थिंक 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की है ये, मतलब अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो ना, ऐसे लिख लिया करो 80 गुणा में 1 मीटर बटे में 1 सेकंड, करके देख लो इसको, 1 मीटर को किलोमीटर में करूंगा तो 1/1000, और 1 सेकंड को करूंगा आर में तो 1/3600, तो क्या होता है ये 80, अब देखो यहाँ पे ये पलटी मारता, 3600 आता ऊपर, 1000 आता नीचे, तो ये आता 18/5, ठीक है। तो डायरेक्टली याद रखते हैं, मतलब मैं तो डायरेक्टली याद रखता हूँ इस चीज़ को, कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से करना हो किलोमीटर पर आर में, तो क्या करना चाहिए आपको, जो ये वैल्यू है, मान लो मीटर पर सेकंड में होती है वैल्यू अल्फ़ा, तो आप किलोमीटर पर आर में क्या कर दो इसको 18/5 अल्फ़ा, तो मुझे पता है कि वो किलोमीटर पर आर में स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। किलोमीटर पर आर में इसकी स्पीड क्या हो जाती, किसी की भी करते तो आप 18/5 से इसको करते हैं मल्टीप्लाई 5, 6, अब ये कर लो, ठीक है ना, 18 × 16 कितना आएगा, 8 6 48 6 0 8 6 1 8 8 2, ठीक है, 180 और 16 में, चलो यही आना चाहिए, शायद गलत हो भी जाए, कोई बात नहीं हो, तो 288, ठीक है, ये कितना आ गया किलोमीटर पर आवर में, तो बहुत ख़तरनाक स्पीड है बस की, ठीक है। अब ये बस यहाँ चल रही थी, ड्राइवर ने मगड़ मार रखा है, और एकदम से उसको यहाँ पे दिखा कि आगे कोई गाड़ी और खड़ी है जो उससे कितनी दूर है, मान लो 200 मीटर, ठीक है। अब इसमें जो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब इसको अब क्या करना है, ब्रेक मारने, जब ये ब्रेक मारेगा तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा मैक्सिमम, अब वैसे आपके पास में, ठीक है, एक्सेलरेशन मैं नहीं दे रहा हूँ,
आपको यही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई बस है वो पहले चल रही थी 80 मीटर पर सेकंड से, उसने किसी को देखा और ब्रेक मारे, ठीक है, और वो क्या हो गई, रुक गई, वो स्टॉप, और कितना डिस्टेंस था जो उसने टोटल चला उसके बाद ब्रेक मारने से लेकर के रुकने तक के बीच में, 200 मीटर। देखो रुकने का मतलब क्या होता है, फाइनल स्पीड कितनी है, जीरो। अब हमारे पास में यू है, वी है और डिस्टेंस है, हम क्या निकाल सकते हैं, ए, और क्या निकाल सकते हैं, टाइम, मतलब कितना टाइम लगा होगा उसको रुकने में और कितना एक्सेलरेशन हुआ होगा, ठीक है। एक बात और, एक्सेलरेशन आमतौर पर हम पॉजिटिव लेते हैं पर नेगेटिव भी हो सकता है, वैसे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका नाम होता है डिसीलरेशन, बट टर्म से कोई बात नहीं, आंसर माइनस में आ सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार ट्राई करो, फिर आगे बात करते हैं हम कल।